दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। राजनांदगांव का पीड़ित परिवार अपने पिता के इलाज में लाखों का बिल बनवाकर डिस्चार्ज कराकर नागपुर ले जाने अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाता रहा। दुर्ग के नेशनल हाईवे पर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर चुका है। इस बार आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती पिता के इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर उसका बेटा इतना आक्रोशित हुआ कि उसने अस्पताल में जमकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि अस्पताल के स्टाफ की पिटाई भी कर डाली। राजनांदगांव निवासी राकेश यादव के अनुसार अपने पिता के किडनी के इलाज के लिए 10 दिन पहले आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसने डॉक्टर से बात भी की, तब उसे प्लेटलेट कम होने की जानकारी दी गई। प्लेटलेट दिया गया लेकिन फिर भी हालत में सुधार नहीं हुआ। तब डॉक्टरों ने उन्हें अंतिम स्थिति होने की जानकारी देते हुए मेहमानों को बुला लेने की बातें कही। आप लोग क्या किए? हमारे पिताजी को जाके देखो आप पहले। चलो कितना डरा जवाब दे दिए। जवाब दे दिए क्या करना चाहिए? डिस्चार्ज करना चाहिए ना। 12 बजे डिस्चार्ज पेपर बना के दे दिए। इसके बाद प्रार्थी ने नागपुर के डॉक्टरों से सलाह ली और पिता के इलाज के बारे में बताया। उसके बाद सुबह उसे नागपुर ले जाना था। इसकी तैयारी प्रार्थी ने कल रात से ही नागपुर ले जाने का करता रहा, लेकिन आरोग्यम हॉस्पिटल के लापरवाह कर्मचारियों और डॉक्टरों ने उन्हें आज सुबह 9 बजे का डिस्चार्ज बोलकर 3 बजे तक दुर्ग में ही रोक लिया, जिस पर प्रार्थी आक्रोशित होकर हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। इस बीच हॉस्पिटल स्टाफ से भी हाथापाई हुई। इस मामले में पीड़ित पुत्र ने अपनी आपबीती मीडिया के समक्ष सुनाई। मेरा नाम राकेश यादव है, मैं राजनांदगांव से हूँ। मेरे पिताजी राजनांदगांव से यहाँ एडमिट किया था किसी किडनी प्रॉब्लम में थी करके। 10 दिन तक यहाँ पर क्रेडलेट कम है करके बताया, क्रेडलेट का ऑप्शन बढ़ा, इसमें सब कुछ सही हुआ। उसके ने वहाँ पर कुछ प्लेटलेट डाले तो उसका प्रतिशत बढ़ते गया। उसके बाद जैसे डॉक्टर से हमने मिले ऑपरेशन करने के बाद, उनसे क्या बोले कि यहाँ से आप डिस्चार्ज कर लो और अपने परिवार को बुला लो घर के, और आपके पीछे पिताजी की बचने की स्थिति बहुत नहीं के बराबर, 8-10 दिन जी गया तो बहुत बड़ी बात है करके। तो हमने बोला ठीक है सर। हमने नागपुर में दूसरी जगह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए। डॉक्टर ने हमको ये बोला कि आप 3 बजे तक नागपुर ले आइए करके। हमने नागपुर ले जाने के लिए वहाँ अपॉइंटमेंट लिए, डॉक्टर सब कुछ किए सुबह डॉक्टर से, और फिर रात की हमने तुरंत हमने यहाँ से डॉक्टर से बात किए कि हमको डिस्चार्ज सुबह कर देना करके। तो ठीक है हम कर देंगे बोले। उसमें 11 बजे राजनांद यहीं पर था मैं, डॉक्टर आए नहीं है, ये नहीं आया वो नहीं आया, फलाना ठिकाना करते रहे। उसके आरके साहू 12:30 बजे करीब आए, डिस्चार्ज पेपर बना के दिए और फिर बोले बिलिंग का टेंशन मत लो, 5 मिनट में बिलिंग हो जाती है बोले। और ये बिलिंग की स्थिति क्या हो गया, 3-3.5 दिन बच चुकी है, कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। मैं इतना परेशान हूँ और वहाँ डॉक्टर से फोन पे फोन आ रहा है, डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है और 5 बजे निकल जाए, मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊँ और क्या करूँ। और इन्हें यहाँ पर जवाब दे चुके हैं कि पिताजी की आपकी स्थिति नहीं है बचने की और कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की कोशिश की हूँ, लेकिन ये डिस्चार्ज कर नहीं रहे, अपनी बिलिंग बढ़ा रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। और जब से डिस्चार्ज किए उसके बाबूजी को जो दवाई चाहिए वो दवाई भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज कर रही तो लेट हो रहा है तो उनको दवाई दे, कुछ भी जवाबदारी नहीं। मैं परेशान हो गया, वापस अभी नागपुर आया हूँ और ये स्थिति मेरी स्थिति पैदा हुई। आपके डॉक्टर से बात नहीं है? बात की है, कोई डॉक्टर ढंग से बात करता नहीं है, कोई सलाह लेता नहीं है, कोई चीज जानकारी देता नहीं है, ना वो मेडिकल वाले को मालूम है कि बिल वहाँ पैसा जमा है कि नहीं, ना जहाँ पर इलाज होता है वहाँ पर उसको, किसी को जानकारी नहीं है। इनसे बात करो, तुमसे बात कर लो, उनसे बात, उससे बात कर लो, ऐसे कोई भी ऐसा कोई डॉक्टर जवाबदार आदमी नहीं जिससे अपन ऐसे बात कर सके क्या है, क्या है। इसीलिए आ गया, इसीलिए गुस्सा जायक है, इसमें परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, नानगांव से भी आया हूँ, इतना हरास मन हो गए, ये स्थिति पैदा हुई। कितना बिल बना? मेरा भी 3 लाख से ऊपर बिल बन चुका है यहाँ पर, और 3 लाख के बिल में सिर्फ एक ही स्थिति बनी कि जब मेरे पिताजी की बीमारी क्या है वही बस मालूम चली, बाकी बीमारी का इलाज कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, और कुछ नहीं मंगे अभी तक। डिस्चार्ज कर दो वही चीज, मैं भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आरोग्य धाम। मामले को लेकर हमने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की, असल बात जानने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया से कोई भी चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।